फरवरी को यंग इंडिया की ओर से जो मोर्चा निकलने वाला है, ये सारे छात्र संगठन और प्रगतिशील साथी एकजुट होकर ये जो रैली करने वाले हैं, उसका महत्व ये है कि 2019 के चुनाव के वक्त गुजरात के हम लोगों के 15 साल के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं, केवल और केवल मंदिर और मस्जिद की, भाई भाई के खून खराबे की, खून की नदियां बहाने की कॉम्युनल गंदी राजनीति के अलावा मोदी और अमित शाह की धोखेबाज जोड़ी कुछ नहीं करने वाली। 4 साल और 11 महीना तक वो केवल विकास की बात करते हैं, और जैसा ही चुनाव नजदीक आता है या तो उनको गाय याद आती है, या तो मंदिर और मस्जिद याद आते हैं, या शमशान और कब्रस्तान याद आते हैं। यही खतरा इस वक्त एज अ नेशन, एक समाज और राष्ट्र के तौर पर हम लोग फेस कर रहे हैं। और इन परिस्थिति में जब हमारे संविधान और लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, डर लग रहा है कि न जाने खून भूखे मेले में क्या होगा। गुजरात के सूरत में पेड़ से बम मिलकर आए थे, कुछ दिन पहले मुंबई के नाला सोपारा में सनातन संस्था की कुछ संघी लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसलिए हुई कि उन लोगों ने इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया था कि गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति के कुछ पंडालों में और मुंबई के कुछ थिएटर सिनेमा गृहों में बम ब्लास्ट किए जाए, और वहां पर जो हिंदू लोग मारे जाए फिर उसको एट्रिब्यूट किया जाए मुसलमान के नाम पर, ताकि ऑलरेडी हिंदू और मुसलमान में विभाजित इस समाज को और भी हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटा जाए और उसी के ऊपर फ्लॉट करके दोबारा मोदी जी सत्ता पर काबिज हो। ये पूरा कॉम्युनल पॉलिटिक्स 15 साल गुजरात में, 4.5 साल के दौरान पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने देखा, और इसके चलते जो बार बार हम लोग कह रहे हैं, इससे चलते सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि इस बात से फोकस हट जाता है कि आज भी इस मुल्क में 40 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं, ये चौल और झोपड़पट्टी में जीते हैं, जिनके सर के ऊपर शेल्टर रहे। मुकेश अंबानी नाम का एक शख्स 28 माल की बिल्डिंग में रहता है, 80 लाख उसके महीने का बिजली का बिल आता है, लेकिन जिस मजदूर के, जिस निर्माण मजदूर के खून और पसीने से उस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ, वो मुंबई की सड़कों पर अर्धनग्न अवस्था में सोने के लिए मजबूर। 7 करोड़ से ज्यादा वर्किंग क्लास के लोगों को मिनिमम वेज नहीं मुल्क में मिल रहा है। 80 करोड़ से ज्यादा आबादी रोज के 20 रुपए में जीने के लिए मजबूर है। ये असली मुद्दे से धान भटकाने के लिए जो कॉम्युनल पॉलिटिक्स खेला गया और 19 के चुनाव तक और भी खेला जाने वाला है, इस संदर्भ में 7 फरवरी की रैली अपना खुद का एक पॉजिटिव प्रोएक्टिव युवा वर्ग के लिए, उस मुल्क के लिए एजेंडा सेट करने वाला है, और इसीलिए इस रैली का बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए पूरे स्पिरिट और ऊर्जा के साथ मैं और गुजरात की हमारी टीम और जितने भी 23 राज्यों में मैं घुमा हूं, सबको अपील करने वाला हूं कि पूरी स्पिरिट के साथ 7 फरवरी की इस रैली में जुड़ा जाए। आज मुद्दा मंदिर और मस्जिद नहीं, मुद्दा जैसा कि प्रोफेसर रतन लाल ने बताया कि शिक्षा और रोजगार है। इस मुल्क के संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का ये बहुत जाना माना नारा है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन शिक्षा की परिस्थिति यह है कि 18 से 23 साल की उम्र के 25% लोग इस मुल्क में हायर एजुकेशन तक पहुंच नहीं पाते। ये मैं जो आपको डेटा दे रहा हूं कि 60 करोड़ मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिलता, ये 40 करोड़ लोग जो झोपड़पट्टी में है, ये 80 करोड़ से ज्यादा लोग जो रोज के 20 रुपए में गुजारा करते हैं। आप सोचिए, जो परिवार रोज के 20 रुपए से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाता, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगा।
इस कदर शिक्षा का जो बाजारीकरण व्यापारीकरण प्राइवेटाइजेशन हुआ है, इस मुल्क की 80% आबादी के लिए ये मुमकिन ही नहीं रहा कि अपने बच्चों को ढंग की शिक्षा दे। ये हम 2019 का सबसे अहम मुद्दा बनना चाहिए। गुजरात मॉडल का ट्रेंडर ऑफ पीट कर मोदी जी सत्ता पर आए, उसी गुजरात में कुछ दिन पहले पुलिस के कॉन्स्टेबल्स के लिए 8,700 के करीब वैकेंसीज थी। कितने लोगों ने अप्लाई किया? 9.5 लाख लोगों ने। पोस्ट कितने हैं? 9,000। अप्लाई करते हैं 9.5 लाख लोग। कितनी भयंकर बेरोजगारी होगी। पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कभी बढ़ी है तो मोदी जी के शासन में बढ़ी है। हम सभी बार बार कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार के नाम पर कुछ छड़ा। यदि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलता तो अब तक 9.5 करोड़ युवा को रोजगार मिलता, उसका 1% 1 टका लोगों को भी रोजगार नहीं मिलता। यदि कोई सरकार अपने प्रोमिस पे सिर्फ 50% डिलीवर करती है तो हम कहते हैं 50% किया, 50% काम तो नहीं किया। ये सरकार इतना बड़ा फ्लॉप शो है। गुजरात के विकास का मॉडल, पकौड़ा प्रेमी प्रधानमंत्री का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इतना डिजास्टरस है, 1% 1 टका लोगों को वो आदमी रोजगार नहीं दे पाया। हम लोग जानते हैं 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन सरकारी नौकरियों में जिन 24 लाख पोस्ट को सेंक्शन किया है उनके भी भर्ती नहीं हो रही। ये हमको समझ नहीं आ रहा, ये क्यों नहीं हो रहा है? आप 2 करोड़ रोजगार का प्रॉमिस दिए, उस पर डिलीवर नहीं कर पाए, वो समझ सकते हैं, हाईली इनकॉम्पिटेंट आदमी है। लेकिन ये जो 24 लाख पोस्ट सेंक्शन की गई है उसमें तो भर्ती करो, ये सबसे बड़ी डिमांड हम लोग आज कर रहे हैं। साथी साईं बाबा ने बताया, ये आंकड़ा आप सोचिए, सोचकर मैं हिल जाता हूं कि 2016 से 18 के बीच में 26,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्याएं की है। 26,000 स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड इन जस्ट 2 ईयर्स। यानी कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस मुल्क में इस डेटा के मुताबिक हर रोज 25 विद्यार्थी सुसाइड करने के लिए मजबूर है, सुसाइड किए हैं। इसका कोई बात नहीं हो रहा है। हमको 2019 के चुनाव के वक्त मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगा वो बकवास नहीं चाहिए। हमको शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर फोकस करना है। और इसीलिए हम लोग डिमांड करते हैं कि 24 लाख पोस्ट हर कीमत पे जो सेंक्शन की गई उस पर भर्ती हो, रोहित कैमूल एक्ट बने। हम सभी जानते हैं इस मुल्क में जाति व्यवस्था ने समाज के सारे डायमेंशंस और फेसेट को डिस्टोर्ट किया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी उससे बाकात नहीं है और इसी के चलते रोहित को सुसाइड करना पड़ा। हम लोग इसीलिए उसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं। और उसके चलते भारत के सारे छात्र संगठनों ने भी मिलकर लगातार इस मुद्दे पर डिमांड किया, कैंपेन किया कि रोहित मेमूल एक्ट बने। तो ये भी हमारी डिमांड है। 2 दिन पहले ही अखबार में मैं पढ़ रहा था, महाराष्ट्र के सेक्रेटरिएट में वेटर की 13 वैकेंसीज थी। अप्लाई किया 7,000 ग्रेजुएट्स ने। पटवारी की 9,000-10,000 लोगों की एप्लीकेशन और 9-10,000 लोगों की जॉब्स गुजरात में उसकी भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ। कम से कम 15 से 20 लाख लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया। यानी इस वक्त और आने वाले दिनों में सबसे अहम मुद्दा इस मुल्क में कोई बनने वाला है वो है बेरोजगारी। युवा साथियों को हर कीमत पर रोजगार चाहिए। अभी रतन लाल जी ने बताया रोजगार देने की कोई बात नहीं, और नॉन दलित, नॉन आदिवासी, नॉन ओबीसी समुदाय के लोगों के लिए लॉलीपॉप ऑफर किया है मोदी जी ने इन द फॉर्म ऑफ 10% कोटा। कल हार्दिक पटेल किसी चैनल में मेरे साथ डिबेट में थे, उन्होंने बढ़िया कहा कि यदि आपको आर्थिक ग्राउंड पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ही था तो 3 साल से हम लोग भी वही गुजरात में डिमांड कर रहे थे, तो हमारे 14 लोगों को क्यों मार दिया भाई? इसका जवाब दो। आपने जिस तर्ज पर आरक्षण दिया उसी तर्ज पर आरक्षण की डिमांड हम लोग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं 2019 के चुनाव के पहले मोदी जी की ओर से इस मुल्क के सवर्ण समुदाय को ऑफर किया गया ये लॉलीपॉप है,
कॉन्स्टिट्यूशनली टिकने वाला नहीं, यानी सवर्ण हो, दलित, आदिवासी, ओबीसी हो, सबको साथ में मिलकर यह कहना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और हमारे संविधान के अंदर सोशल एक्सक्लूजन और सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ग्राउंड पर आरक्षण को दिया गया है। सवर्ण समुदाय के गरीब तबकों को कुछ भी मिले हमको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन हमारी चिंता और हमारी दहशत यह है कि इस आरक्षण के चलते धीरे धीरे करके मोदी जी, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान को लिखा है उस संविधान को डिस्टोर्ट करने की दिशा में उठाया गया पहला कदम है। आज ज्यादा में कहते हुए सिर्फ इतना कहकर मेरी बात को खत्म करूंगा कि यंग इंडिया क्या चाहता है। आज युवा साथी ये चाहते हैं कि राइट ब्रदर्स जिन्होंने एरोप्लेन को इन्वेंट किया उसकी बात हो, लेट अस सेलिब्रेट राइट ब्रदर्स, पुष्पक विमान का नॉनसेंस के ऊपर चर्चा ना हो, ये यंग इंडिया चाहता है। दिस इज व्हाट वी वांट। हमारा संविधान ये कहता है कि समाज के अंदर साइंटिफिक टेंपर डेवलप होना चाहिए। आर्टिकल 17 में छुआछूत के खात्मे की बात की गई है, लेकिन पूरे मुल्क के किसी भी कोने में अनटचेबिलिटी के खात्मे का कोई ड्राइव, कोई कैंपेन, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार चला रही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, व्हाट इज एंटी नेशनल, कास्ट इज एंटी नेशनल, विदाउट एनाइलेशन ऑफ कास्ट न्यू इंडिया कैनॉट बी क्रिएटेड। दिस इज व्हाट द यंग इंडिया वांट्स। यंग इंडिया को ये चाहिए कि पहले समानता की लड़ाई में नेतृत्व प्रदान करे और हम लोग उसमें जुड़े। यंग इंडिया को चाहिए कि छुआछूत का खात्मा हो, जाति निर्मूलन हो। यंग इंडिया को चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर सोशलिस्ट रिपब्लिक की बात की गई है वह सचमुच एक सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेसी खड़ा किया जाए। यंग इंडिया को चाहिए कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे जो राजनीति हो रही है उसको खत्म किया जाए और फोकस शिक्षा और चिकित्सा के ऊपर हो। तो 7 फरवरी की रैली में जुटने के लिए सभी साथियों को अपील करता हूँ, मैं खुद इस पर पार्टिसिपेट करता हूँ और जिन स्टूडेंट ग्रुप के साथ में मिलकर इस फॉर्मेशन को अंजाम दिया है, ये रैली का प्लानिंग किया, सारे स्टूडेंट्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मोदी जी से अपील करता हूँ कि अभी भी थोड़ा वक्त सुधर जाइए, 3-4 महीना बाकी है, 2 करोड़ रोजगार नहीं फोर्स जो सेंक्शन किया है उसकी आप भर्ती कर दीजिए तो लगेगा कि आपके अंदर थोड़ा बहुत भी इस मुल्क की जनता के लिए, युवा साथियों के लिए करने का कुछ जज्बा बाकी है। लेकिन उनसे उम्मीद नहीं, उम्मीद उन छात्र संगठनों और युवा साथियों से जो 7 फरवरी के दिन लाल किले से निकलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट तक पहुंचेंगे और आखिर में यही कहेंगे कि 26 जनवरी दूर नहीं और 2019 के चुनाव के पहले फरवरी के फर्स्ट वीक में पार्लियामेंट का बजट सेशन भी होगा। दोनों वक्त किसान और युवा साथियों को बेवकूफ बनाने के लिए ये फेंकू और मोदी और अमित शाह की जोड़ी कुछ न कुछ दूसरा लॉलीपॉप ऑफर करेगी। हम लोग उसके बहकावे में नहीं आएंगे और हम लोग सारे लोग साथ में मिलकर आने वाले 2019 के चुनाव के दौरान और उसके बाद भी लगातार इस मुद्दे के ऊपर हमारे एजुकेशन को, हमारे आंदोलन को, संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। ये सारी सरकार जो भी सत्ता पर आए उसको रोजगार को खड़ा करना पड़ेगा। आखिर में ये भी कहना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर बहुत ही डीप अग्रीडियन क्राइसिस है, हजारों लाखों की तादाद में किसान सुसाइड कर चुके हैं। इस अग्रीडियन क्राइसिस से कैसे बाहर निकालना उसका कोई फॉर्मूला मोदी जी के पास नहीं, और नहीं उल्टा नरेगा का जो स्कीम था उसको पूर्ण रूप से इस सरकार ने खत्म कर दिया। आज हमारे जीडीपी का केवल 0.38% ही नरेगा में खर्च होता है। तो हम लोगों की डिमांड है, नरेगा में आज केवल 500-550 करोड़ बचे हैं। इतना डीप अग्रीडियन क्राइसिस है, गांव के लोगों के पास काम नहीं, उनको थोड़ा बहुत टिक जाने का, अपने आप को संभाल लेने का एक छोटा मोटा जो टूल और मैकेनिज्म था इन द फॉर्म ऑफ नरेगा, उस नरेगा को दुरुस्त किया जाए। नरेगा के डिपार्टमेंट में कम से कम, यदि मैं गलत नहीं,
जो 76,000 करोड़ के बजट की रिक्वायरमेंट है, एक पैसों का नया अलॉटमेंट मोदी जी नहीं कर रहे। जब हम लोग रोजगारी की बात करें तो 2 करोड़ रोजगार भी मिले, 24 लाख सैंक्शन पोस्ट में भर्ती भी हो, सारे स्टूडेंट्स जो लोन भरपाई नहीं करने की पोजीशन के चलते सुसाइड कर रहे उनकी सुसाइड को रोका जाए, सारे लोन्स वेव किए जाए और नरेगा को न केवल रिवाइव किया जाए। मोदी जी सीधा 56 इंच का है तो 100 दिन का नरेगा 300 दिन का करके दिखाइए, ये हम आपको कहना चाहते हैं। धन्यवाद।